बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार साहब जुड़ गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता गुरुग्राम से। नमस्कार अरविंद जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सर सबसे पहला सवाल नमस्कार जी, ये ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में ये जो डेल्टा वेरिएंट की चर्चा हो रही है, जो वहां पर कहर मचा रहा है, ये है क्या सर, और हमारे लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका हमारे देश में भी उसी तरह से। आदर्श जी, हम सब जानते हैं कि ये कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, और ये जैसे जैसे ग्रो करता है, इसके सरफेस पे जो इसके अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं, उसमें कभी कभी चेंजेस आ जाते हैं, जिसको हम वेरिएंट्स कहते हैं। कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जिनके होने से उसके कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं आता, कैरेक्टर से मतलब उसकी इन्फेक्टिविटी और उसकी केस फेटेलिटी, उसमें बदलाव नहीं आता। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनके होने से या तो वो वायरस ज्यादा इंफेक्शस हो जाता है या ज्यादा लीथल हो जाता है, और इन्हीं को WHO ने VOC यानी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न का नाम दिया है। तो पहला ऐसा वेरिएंट आया था लास्ट ईयर यूके के अंदर, जिसको हम B.1.1.7 का नाम दिया था उन्होंने उसके म्यूटेशंस के अनुसार, और ये आपने देखा था कि ब्रिटेन में जो सेकेंड वेव आई थी उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल था। इसी के अंश हमारे देश में पंजाब में भी पाए गए, केरला के कुछ एरियाज में भी पाए गए, और जब महाराष्ट्र में हमारे यहाँ दूसरी वेव शुरू हुई तो वहां की जो जेनेटिक एनालिसिस अब इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स और इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ने रिवील की है, उसमें पाया गया कि एक B.1.617 नाम का, जिसको अब डेल्टा वेरिएशन का नाम दिया जा रहा है, इसने महाराष्ट्र में केसेस शुरू किए थे, और इसी का एक सब टाइप जिसको B.1.617.2 का नाम दिया गया है, माइनर सब वेरिएशन है उसमें, उसने दिल्ली शहर के अंदर जो पिछले 2.5-3 महीने में कहर ढाया है वो रिस्पॉन्सिबल था। और उसकी खास बात ये पाई गई कि उसकी इन्फेक्टिविटी पिछले वेरिएंट की, पिछले कोरोना के मुकाबले 50% से ज्यादा ऊपर थी, और उसने जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका था और एंटीबॉडी थी उनको भी इन्फेक्ट किया, जो लोग सीरो पॉजिटिव थे उनको भी इन्फेक्ट किया, और ब्रेक थ्रू वैक्सीनेशन केसेस भी हुए, यानी कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी थी उनको भी इन्फेक्ट किया, और उनमें से कुछ लोगों में डेथ भी हुई। तो कुल मिला के इस वायरस का ये जो नया म्यूटेशन है, यह एक बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है, और हमारे देश में जो ये दूसरी लहर ने कहर डाया है उसके लिए इस वायरस के नए म्यूटेशन का काफी जिम्मेदारी है। और अब कंसर्न की बात यह है कि यही वेरिएंट अब यूके में और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जा रहा है, जहां दोनों देशों में पिछले 2-3 दिनों के अंदर केसेस में वृद्धि हुई है, जिसको एक तरह से थर्ड वेव कहा जा सकता है, क्योंकि उनके यहां पिछले 2 महीने से केसेस लगातार कंट्रोल में आ गए थे। सर जिस तरह से आप बता रहे हैं वो बहुत चिंता बढ़ाने वाली चीज है, इसलिए हम समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि जो डेल्टा वेरिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आखिर दूसरे वेरिएंट से कितना खतरनाक है सर, और क्या लक्षणों में कुछ बदलाव हो सकता है, किस तरह से होगा? जी आदर्श जी, जो भी नया वेरिएंट होता है वो 2-3 तरह से हमें अफेक्ट कर सकता है। नंबर एक, हो सकता है कि वो ज्यादा इंफेक्शस हो, यानी कि मैं इंफेक्टेड हूं, आप मान लीजिए मेरे संपर्क में आए, थोड़ा सा हमारा संपर्क हुआ, आपके इन्फेक्ट होने का कितना चांस है, तो इस वेरिएंट में इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा है, और हमने ये देखा कि इस बार पूरे पूरे परिवार, हाउसिंग सोसाइटीज में पूरे पूरे फ्लोर्स या पूरी पूरी हाउसिंग सोसाइटीज इफेक्ट हुई हैं, तो ये तो बिल्कुल क्लियर था कि इसका इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सिम्टम्स में इस बार बहुत वेरिएशन देखा गया है, पिछले साल मेनली फीवर मेन प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार तरह तरह के सिम्टम्स देखे गए। पिछली बार 60 से ऊपर की पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्टेड थी, डेथ्स भी उनमें हुई थी, इस बार 30 से 45 की जो पॉपुलेशन है उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है, और बहुत भारी संख्या में डेथ्स भी इस ग्रुप में हुई हैं। बच्चे भी इस बार पिछली बार से ज्यादा इफेक्ट हुए, हालांकि बच्चों में मृत्यु दर जो है वो पिछली बार की तरह फॉर्चुनेटली लोअर रहा है। तो हम लोग अभी भी आईसीयू में देख रहे हैं कि इस बार जो लंग इन्वॉल्वमेंट है वो पिछले बार के मुकाबले ज्यादा सीवियर है, जो पेशेंट्स इस बार वेंटिलेटर पे गए हैं
उनके रिकवरी की जो परसेंटेज है वो इस वेव में पिछली वेव से कम है, यानी कि कम पेशेंट वेंटिलेटर पे रिकवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह पिछले वेरिएंट से ज्यादा लीथल भी है, ये इंफेक्शियस भी है, ये सिम्टम्स भी अजीब अजीब से कॉज करता है, ये लीथल भी ज्यादा है, और जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है वो भी जितना भयंकर रूप में हम इस बार देख रहे हैं वो पिछली बार नहीं देखा था। तो कुल मिला के आदर्श जी, यह क्लिनिकली हमको कहीं ज्यादा हिट कर रहा है पिछले वाले म्यूटेंट, पिछले वाले टाइप ऑफ कोरोना के मुकाबले। तो यह एक चिंता का विषय है, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा विषय है कि अगर कहीं ना कहीं ये वैक्सीन के द्वारा डेवलप की गई एंटीबॉडीज को अगर इवेड कर रहा है तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न। सर यही मेरा सवाल भी है सर, कि क्या ये जो अब तक हमारे पास जो वैक्सीन है ये इस डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी होगी, इसको थोड़ा समझाइए। देखिए, अब तक जो डेटा आया है उसमें कोवैक्सीन के लिए, ये बार बार मैंने आर्टिकल्स देखे हैं कि कोवैक्सीन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, कोविशील्ड भी कुछ ना कुछ तो इफेक्टिव है, लेकिन ये जरूर है कि इस बार दोनों वैक्सीन लिए हुए केसेस में कोरोना हुआ, और जैसा कि फेज 3 ट्रायल्स में देखा गया था कि केवल माइल्ड वैरायटी हुई थी, इस बार ऑन ग्राउंड पिछले 2 महीने में लोगों में सीवियर वैरायटी भी हुई, लोगों की डेथ्स भी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ केसेस में यह वैक्सीन द्वारा दिए गए प्रोटेक्शन को कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि वैक्सीन बिल्कुल इनइफेक्टिव है, कृपया कोई भी ऐसा मैसेज ना समझे, वैक्सीन इफेक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ केसेस में ये वाला वेरिएंट कहीं ना कहीं वैक्सीन को कुछ हद तक इवेट कर रहा है। लेकिन मैं ये कह दूं कि यह रिसर्च का विषय है और इस पे अभी शोध किया जाना जल्दी से जल्दी बाकी है। ठीक है सर, एक बात मैं जानना चाहूंगा, ये जिस वेरिएंट की हम चर्चा कर रहे हैं खास करके अपने देश में भारत में जो वेरिएंट था उसका नाम डेल्टा कैसे पड़ गया सर? ये देखिए क्या हुआ था कि जब लास्ट ईयर यूके में वेरिएंट आया तो उसका नाम इंग्लिश वेरिएंट या इंग्लैंड वेरिएंट हुआ, फिर एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, फिर एक ब्राजीलियन वेरिएंट था, फिर इंडियन वेरिएंट, सिंगापुर वेरिएंट एंड देन वियतनाम वेरिएंट। तो ये कंट्रीज के नाम से स्पेसिफिक होने की जगह WHO ने उसको अल्फा, बीटा, कापा, डेल्टा इस तरह का नाम दे दिया कि किसी देश के नाम से क्यों उस वायरस को अटैच किया जाए। तो जो इंग्लिश वेरिएंट था उसको अल्फा का नाम दे दिया गया है, B117, और B1617 जो हमारे देश का ये वेरिएंट है इसको डेल्टा का नाम दे दिया गया, ये केवल एक प्रॉपर नाम की बात है। ओके सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, मामलों में लगातार कमी आ रही है, जो संक्रमण की दर है वो काफी कम हो गई है देश भर में, लेकिन जो आशंका जताई जा रही है उस आधार पर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अक्टूबर तक, सितंबर के एंड में या अक्टूबर तक तीसरी लहर हम देख सकते हैं भारत में? आदेश जी, मैं एक दो बहुत क्लियर मैसेजेस देना चाहूंगा कि यह बहुत ही शातिर किस्म का, डेंजरस किस्म का वायरस है। नंबर वन, चाहे केसेस के नंबर भले ही कम हो लेकिन ये वायरस यहाँ है, दिस वायरस इज वेरी मच हियर, और पिछली बार की तरह जैसे कि जनवरी फरवरी में ये गया नहीं था, ये छुप के कहीं ना कहीं बैठा हुआ था, इस बार भी चाहे नंबर कितने भी कम ना हो जाए ये वायरस यही रहेगा, और यह हमारे द्वारा गलती किए जाने का इंतजार करेगा। इन द मीन टाइम हो सकता है ये अपने को फिर कोई नया वेरिएंट बनाए, हो सकता है वो वेरिएंट माइल्डर हो सकता है वो वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक हो, यह प्रेडिक्ट करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो है हमारा बिहेवियर। इसलिए मैं क्लियर कट मैसेज एबीपी न्यूज के दर्शकों को देना चाहूंगा कि इस साल के बचे हुए महीनों में अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है थर्ड वेव से, फोर्थ वेव से, फिफ्थ वेव से, तो हमें कोरोना संयम यानी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग हर हालत में बनाना पड़ेगा। अगर हमने जनवरी फरवरी वाली चूक की तो आदर्श जी थर्ड वेव अक्टूबर नहीं, हो सकता है उससे पहले ही आ जाए और हो सकता है और ज्यादा भयानक।
सर बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, लगातार एबीपी न्यूज पर हम सबकी भी कोशिश यही होती है कि दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए ताकि घर से बाहर तो निकले हैं, लॉक हो रहा है लेकिन सावधानी किसी भी तरह से ना छोड़े, ना मास्क लगाना, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना हाथ को बार बार धोना, दूरी बनाकर रखना, इन तमाम चीजों का ध्यान रखें। इसी में एक बड़ा सवाल है सर, थर्ड वेव की बात बार बार हो रही है और चिंता भी उसके साथ बढ़ जाती है, कहा यह भी जा रहा है कि बच्चों को निशाना बनाएगी इस बार, तो ये तो और खतरनाक हो जाएगी सर, उसको थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों। जी जी आदर्श जी, पिछले बार इस वायरस ने अफेक्ट तो सबको किया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा 60 से ऊपर वाले और कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों में कहर ढाया था। इस बार क्या हुआ कि जब ये सेकेंड वेव आई तो करीब करीब 50% के करीब 60+ लोग जो थे उनको कम से कम एक टीका वैक्सीनेशन का मिल चुका था, जिससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इम्यूनिटी उनमें थी। लेकिन जो हमारी 30 से 45 वाली पॉपुलेशन थी वो टोटली अनप्रोटेक्टेड थी, वो पॉपुलेशन मोबाइल थी, बाहर रोड्स पे थी, ऑफिस में थी, मॉल्स में थी, तरह तरह के फंक्शंस में थी, और उनका एक्सपोजर हुआ और सबसे ज्यादा संक्रमण उनमें हुआ और बहुत भारी संख्या में इस ग्रुप में मोर्टैलिटी हुई है। अब हमने 18 के ऊपर वैक्सीनेशन खोल दिया है तो मान लीजिए 2-3 महीने में उस ग्रुप में भी 30-40% लोगों को वैक्सीनेशन लग गया, लेकिन हमारी 18 से कम वाली पॉपुलेशन अभी भी अनवैक्सीनेटेड है। तो इसीलिए अगर तीसरी वेव आएगी तो जो 18 से ऊपर की पॉपुलेशन है वो कुछ ना कुछ हद तक वैक्सीनेटेड होगी, लेकिन बिलो 18 पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड अनप्रोटेक्टेड होगी। इसीलिए ये फियर किया जा रहा है कि वो वायरस इस कमजोर ग्रुप को, अनप्रोटेक्टेड ग्रुप को जाके धर दबोचेगा, और इसीलिए ये बहुत अहम हो जाता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने बच्चों में भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करके उनको भी प्रोटेक्ट करें। सर तीसरी लहर की चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं, उसे सावधान कैसे रहना है वो भी अभी आपने बता दिया हमें कुछ देर पहले, मैं ये जानना चाहूंगा कि कोरोना की जो तीसरी लहर है इसके वैज्ञानिक सबूत है क्या सर, थर्ड वेव जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं? वैज्ञानिक सबूत देखिए जी आदर्श जी, हमको दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। यह कोरोना लास्ट ईयर मार्च में यूएसए और यूरोप में बुरी तरह से कहर ढा रहा था, उस समय हमारे देश में केसेस जस्ट शुरू हुए थे और हमने बहुत ही जल्दी जब 500, 600, 700 केसेस थे उसी स्टेज पे लॉकडाउन लगा दिया, जो उन लोगों ने नहीं किया था, उन लोगों ने वो तब किया जब उनके यहाँ ऑलरेडी कहर ढाना शुरू हो गया था, लेकिन हमने उनकी गलती से सीखा और हमने समय पे लॉकडाउन लगा दिया। इसीलिए लास्ट ईयर हमारे यहाँ कहर ढाने वाली नौबत नहीं आई थी, केसेस स्प्रेड आउट थे जिसको हमारी हेल्थ केयर ने मैनेज किया। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अरविंद सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार दिमाग में आ रही है कि जिनको कोरोना हुआ क्या वो 9 महीने तक संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें खूब कही जा रही हैं। आदर्श जी 9 महीने तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3 महीने तो इस समय सरकार ने भी माना है कि वो लोग सुरक्षित हैं। देखिए एक चीज बड़ी डिफरेंट पाई गई है, दूसरे इंफेक्शन में जब एंटीबॉडीज डेवलप होती है तो अक्सर वो लाइफ लॉन्ग होती है या कई साल तक रहती है, लेकिन कोरोना की एंटीबॉडीज में जो लोग लास्ट ईयर के इंफेक्शन के बाद सीरो पॉजिटिव यानी एंटीबॉडी पॉजिटिव थे उनका रिपीट टेस्टिंग में आप 6 महीने 9 महीने साल भर के बाद वो एंटीबॉडी लेवल्स बहुत लो पाए जा रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद इस कोरोना में हमें 6 महीने पर एक सेकेंड या थर्ड बूस्टर डोज की जरूरत है। तो 3 महीने तो कोरोना के बाद आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हैं, उसके बाद कितने हैं इसका फाइनल आंसर अभी आना बाकी है। ठीक है सर, वैक्सीन से लोग बहुत डर रहे हैं, कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि वैक्सीन लगवाने के लिए मनाना पड़ रहा है या वो छुप जा रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे सर आप? आदर्श जी ये बहुत ही एक अजीब सी चीज है कि इतना एबीपी न्यूज ने इतना ज्यादा वैक्सीन के बारे में सही प्रचार करने की कोशिश की है कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन इफेक्टिव है, वैक्सीन 18 साल से कम के बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज को छोड़ के बाकी सबको लगाई जा सकती है, और मेजॉरिटी केसेस में माइनर रिएक्शंस यानी कि लगने की जगह पे थोड़ा बहुत दर्द और हल्का फीवर बुखार और थोड़े चिल्स वगैरह के अलावा जो 1 या 2 दिन रहता है, हमारे देश में कोई मेजर साइड इफेक्ट्स अब तक नहीं हुए हैं।
अब इसके बावजूद लोगों में क्यों भ्रांतियां हैं? सर यही कोशिश लगातार हम लोग भी कर रहे हैं बीपी न्यूज पर कि लोगों के मन में जो शक है, जो उनको दिक्कत लग रही है, उसको हम दूर करें और लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो तमाम सवाल है लोगों के मन में उनके जवाब देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।